सो so कैमरा के मामले में अगर आईफोन को कोई टक्कर देता है तो वो गूगल पिक्सल के फोन होते हैं कुछ ही महीने पहले मैंने गूगल पिक्सल सेवन की अनबॉक्सिंग की थी जिसके बाद काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आईफोन के साथ इसका कंपैरिजन देखना और खासकर आईफोन 12 के साथ देखना क्योंकि दोनों ही फोन जो है इस बार की फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग के अंदर आने वाले हैं सो so डिटेल में इनका कंपेरिजन करेंगे आज की वीडियो के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कैमरा बैटरी और प्राइसिंग भी मैं आपको बताऊंगा की इस बार की फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर क्या आने वाली है दोनों ही फोन की तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट सो हेलो एंड वेलकम बैक टू तो वीट्यूब नेटवर्क चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना तो सबसे पहले अगर हम पे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव इशू है किसी को आईफोन के डिजाइन पसंद आते हैं बट पे गूगल पिक्सल भी काफी अच्छे डिजाइन एंड लुक्स के साथ आता है और बाकी फोन से थोड़े डिफरेंट होते हैं बिल्ड क्वालिटी की बात करें आई फोन की तो रियर के अंदर आपको यहाँ पे ग्लास बॉडी मिल जाती है सेंटर में आता है एप्पल लोगो जो की इसकी पहचान है और वहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है और ग्लास बॉडी होने की वजह से फ्लैट फोन होने की वजह से काफी ज्यादा प्रीमियम लगता साइड्स इसके अल्मीनियम के बने हो, कभी कभार ये फोन ज्यादा देर होल्ड करने पे बिना केस के हाथों में थोड़ा सा चुभने लग जाता है वही अगर हम बात करते हैं गूगल पिक्सल सेवन ए की तो रियर के अंदर आपको यहाँ पे प्लास्टिक या पोली कार्बोनेट मिल जाता है ग्लास बॉडी नहीं है बट इक्वली प्रीमियम लगता है ग्लास की तरह जैसे की आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो पूरा ग्लास वाला रिफ्लेक्शन देता है बाकी सेंटर में गूगल लोगो आ जाता है और इसके साथ साथ आपको एक अलग सा इनका डिजाइन मिलता है कैमरा सेटअप के आस जो ये बैंड मिल जाता है साइड्स पे इसके भी साइकिल अल्मोनियम ही है लेकिन पकड़ने में इसकी इनह फील जो है वो ज्यादा बेटर लगता है थी है क्योंकि साइड्स पे थोड़ा सा कर्व है जो कि चुपता नहीं आता तो हाथ में होता है तो काफी प्रीमियम फील आती है लेकिन आई ट्वेल्व काफी लाइट वेट है मुझे आईफोन की अच्छी खासी आदत पड़ी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे एक पावर बटन चाहिए और दूसरी तरफ यहाँ पे वॉल्यूम ब्रोकर की होने चाहिए बट पिक्सल सेवन के अंदर कभी कभी ये दिक्कत आती है कि वहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम ब्रोकर कीज एक ही साथ है बाकी एंड्रॉइड फोन्स में अगर ऐसा होता है तो पावर बटन नीचे होता है

दोनों की हाइट और विथ के अंदर डिफरेंस क्योंकि साइड्स में हल्का सा कर्व भी है और थोड़ा सा ज्यादा थिक फोन है गूगल पिक्सल सेवन है यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो काफी ज्यादा मोटा फोन है और आईफोन आई काफी ज्यादा पतला लगने वाला है इसके मुकाबले में अनलॉकिंग सिस्टम की बात करें तो तो आईफोन के अंदर तो आपको मिल जाती वर्ल्ड बेस्ट फेस आई काफी ज्यादा फास्ट और सिक्योर वही अगर हम बात करते हैं गूगल पिक्सल की तो वहाँ पे आपको टच आई सपोर्ट मिलता है और उसके साथ साथ फेस आई भी है और इसकी प्लेसमेंट काफी सही की गई है यूजली नीचे की तरफ होती है बट यहाँ पे काफी सही पोजिशन के ऊपर इसको प्लेस किया गया है दोनों फोन्स के अंदर आपको ओलर डिस्प्ले जरूर मिल जाती है बट यहाँ डिस्प्ले के अंदर भी काफी ज्यादा फर्क है पहले तो आईफोन के अंदर आपको मिलता है एक बड़ा सा नॉच वही गूगल पिक्सल के अंदर आपको सिर्फ एक सेंटर के अंदर कैमरा मिलता है कटआउट के अंदर लेकिन गूगल पिक्सल के अंदर आपको काफी थिक बेजल्स मिल जाते हैं और चिंतो पूछो ही मत इतनी ज्यादा थिक है थी ये मॉडर्न डिजाइन लगता ही नहीं है फ्रंट साइड से लेकिन पिक्सल सेवन के अंदर आता है नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट वही आईफोन के अंदर आता है का रिफ्रेश रेट मगर डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे दोनों ही फोन की काफी ज्यादा जबरदस्त है आपको एकदम बढ़िया कलर एकदम बढ़िया क्वालिटी मिलती है डिस्प्ले से ऑल दो थोड़े से गूगल पिक्सल के कलर मुझे स्मूदर लगे और आईफोन के अंदर थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी है बट तो ये ना के बराबर डिफरेंस डिफरेंस है एकदम आप पास से देखोगे तो आपको पे थोड़ा बहुत नजर आएगा और हल्के से कलर से में पंच कभी कभार आपको की डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है क्योंकि वैसे भी आईफोन के अंदर यहाँ पे ट्रू टोन तो मैंने ऑन किया हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा हो अदरवाइज दोनों ही यहाँ पे काफी ज्यादा जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस देने वाले मूवीज देखना चाहते हो यूट्यूब देखना चाहते हो डिस्प्ले से कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब कैमरास की बात करें तो बहुत टक्कर का मुकाबला होने वाला है आई फोन ट्वेल्व की ड्यूल कैमरा सेवन के अंदर आपको मेन कैमरा मिलता है सिक्सटी फोर का पिक्सल का आता है एफ के साथ और के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है थर्टीन मेगा का जो क्या आता है एफ के साथ बाकी ओ नाइट मोड वगैरह यहाँ पर भी आपको मिल जाता है लेकिन के के गूगल पिक्सल 7 आपको टेलीफोटो मोड भी मिल जाता है जो की आई फोन के अंदर मिसिंग है लेकिन आई फोन के अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर अलग अलग मोड मिल जाते हैं जो कि पिक्सल के अंदर सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर कर सकता है स्क्रीन के ऊपर जो है वो आई फोन के अंदर नजर आ रही है लेकिन यहाँ पे ज्यादा बेटर कलर और अगर आप बैकग्राउंड के अंदर देखोगे क्लाउड वगैरह जो होंगे उसके अंदर डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छी निकाल के दे रहा है पिक्सल सेवन ए और दिखने में फोटोज हैं वो ज्यादा अच्छी लग रही सेवन ए की मतलब आप इसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो बट आपको वहाँ पे कलर ग्रेडिंग करनी पड़ जाएगी आई फोन के अंदर रियर कैमरा के अंदर भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को बट ये चीज याद रखना है कि आई फोन ट्वेल्व दो के अंदर आया था और पिक्सल सेवन एम लेटेस्ट फोन है कभी पिक्सल सेवन की फोटोज अच्छी लग रही है तो कभी डिटेलिंग वगैरह जो है रियर कैमरा के अंदर आई फोन की ज्यादा बेटर लग रही है मतलब थोड़ा बारिश का मौसम बना हुआ था और जैसा स्काई नजर आ रहा था वैसे ही आई फोन के अंदर नजर आ रहा है और साथ में नीचे भी काफी अच्छी डिटेलिंग नजर आ रही है बट पिक्सल सेवन के अंदर थोड़ी फोटो जो है, वो डार्क हो गई है बट वाइट क्लियर बेन नजर आ रहा है फ्रंट कैमरा पिक्सल नजर आ, आ रहा है लेकिन आई फोन ट्वेल्व का रियर कैमरा पिक्सल से ज्यादा वाइडर नजर आ रहा है अब इस फोटो के अंदर क्लाउड्स की डिटेलिंग जो ट्वेल्व की ज्यादा अच्छी आई है लेकिन ओवरऑल डिटेलिंग की बात करें जूम करने में तो पिक्सल सेवन की ज्यादा बेटर नजर आ रही है अल्ट्रा वाइड एंगल स्विच करते देख सकते हो ज्यादा वाइडर एंगल जो है वो फोन ट्वेल्व के मिल रहा है और डिटेलिंग भी थोड़ी ज्यादा बेटर है जूम करने में आई फोन की अलग अलग कंडीशन में पे रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं फ्रंट से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए आपको आई फोन ट्वेल्व के अंदर एडवांटेज मिलता है क्योंकि सिर्फ फोर थर्टी एफ पी एस तक की रिकॉर्डिंग है ज्यादा अच्छी आ रही हो लेकिन ओवरऑल डिटेलिंग और कलर जो है वो आई फोन के अंदर ज्यादा बेटर आ रहे हैं पर रियर कैमरा से दोनों के अंदर ही आपको फोर की एट

थोड़ा सा ज्यादा हीट अप हो रहा है पिक्सल सेवन ए कंपेयर टू आईफोन ट्वेल्व हल्का सा कैमरा साइड से और स्पेशली इस्वे तो के अंदर आती है की बायोनिक और वही अगर हम बात करते हैं तो है, जो की गूगल की खुद की चिप है बाकी एंड्रॉइडी पे रन कर रहा है और वहां पर आईओ एस सेवन आ चुका है और अपडेट्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं ज्यादा पिक्सल सेवन ए के अंदर क्योंकि अपडेट्स वगैरह जो है गूगल ने अनाउंस किए आईफोन में भी पांच साल अपडेट मिलते हैं लेकिन आई 12 आया था 2020 में और 2025 तक यहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे वैसे डे टू डे लाइफ के अंदर आपको दोनों ही फोन यहाँ पे पावरफुल लगने वाले और वो सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है लेकिन आई फोन ट्वेल्व थोड़ा सा ज्यादा बेटर है क्योंकि आई वगैरह ज्यादा यहाँ पर ऑप्टिमाइज होते हैं गिग बैन स्कोर की बात करूँ तो लगभग चार के आसपास आपको मिलते हैं आई फोन ट्वेल्व के लेकिन वही अगर हम बात करते हैं पिक्सल सेवन ए की तो लगभग इकतीस से चौतीस के बीच में गिग बैन स्कोर आते हैं पिक्सल सेवन ए के बट गेमिंग वीडियो एडिटिंग दोनों ही तगड़ी चलने वाली है दोनों ही फोन्स में पर पर्सनली बहुत

रिफ्रेशेंट मिल जाता है और थोड़ा नया फोन मिल जाता है तो आप गूगल पिक्सल की तरफ जा सकते हो अदरवाइज अगर आपको आईओ का मजा लेना है कैमराज दोनों में बढ़िया बट रियर कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी से ज्यादा बेटर है आई फोन के अंदर दोनों ही फोन फाइव जी लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ज्यादा आते हैं स्ट्रॉन्वेल्व के तो आपको अपनी पसंद और नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा की कौन सा फोन आपको चाहिए बाकी कोई भी अगर आपके डाउट होते तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ वीडियो मेरी लगी हो तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो Thanks for watching!